वेलकम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। ये देख सकते हैं बैक साइड पे, आज मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा कवर किया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गट्टू वगैरह भी डाल दिए। और ये देखें सारा चूजे वगैरह की आवाज़ आ रही होगी आपको, गर्मी है इसी वजह से उन्हें अब नीचे लेके जाते हैं। ये इधर इन्हें अब नीचे लेके जाते हैं इनके कार्टून में डाल के। और बाकी ये देखें, मैंने आपको कहा था कि ये सारे फूल वगैरह गिर जाएंगे, गिर गए हैं, कुछ गिरे पड़े हैं, कुछ गिर गए हैं और कुछ गिर रहे हैं, ना ही निकल रहे भी हैं। मैंने कहा इनको कोई फ़ायदा ही नहीं है ये सारे जो नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, हमने यहाँ पे फलूदा लगाया था, उसके देखें ये अब निकल रहे हैं यहाँ से, नए पत्ते वगैरह आ गए हैं सारे। और इसे हमने छाव में शिफ्ट करना है क्योंकि ये देखें ये अब खराब वो होता सूखता जा रहा है सारा। इसके इसको अंदर कुछ लगाएंगे, ये निकाल के देखें सारा ख़राब है, सारा ख़राब हो गया, इसके अंदर निकाला भी नहीं था हमने। और इसके देखें पत्ते अभी थोड़े थोड़े निकले हैं, दो तीन दिन हो गए निकल रहे हैं अभी तक तो। और ये देखें कांटे इसमें भी हैं, जो असली गुलाब का है ना उसमें भी कांटे हैं, जो नहीं है उसमें भी। और इसके देखें एक छोटा सा फूल खिला है आज, ये और दूसरा ये कल खिल जाएगा। और इस बार हमारे लीमू नहीं निकले, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई क्यारी थोड़ी बड़ी जगह में इन्हें उगाएंगे, शायद ये फिर बड़े हो जाएं। इस वजह अब तो नहीं हो रहे बड़े, ये फूल वगैरह तो गिर जाएंगे। और हमारा जो चमेली का फूल है उसमें भी पत्ते वगैरह निकल आए हैं और फूल वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है। मैंने कल या परसों तक सारे काफ़ी सारे खिल जाएंगे। और ये देखें ये छांव में जब से रखें तो ये काफ़ी सेट हो चुका है। और डक वगैरह भी नहाई थी अभी, यहाँ पे देखें सारा पानी वगैरह पड़ा है, इसके अंदर नहाई थी, उसके लिए भी कुछ नहाने के लिए कुछ बनाएंगे। और अभी नीचे चलते हैं, नीचे वाले पैट के जाऊँगा, यहाँ गर्मी है नहीं दिखाता, इसके बारे यहाँ से लेके चलते हैं, अभी चलते हैं नए पैट नीचे वाले पैट से खाता मैं आपको। ये है हमारे पेट्स, ये देखें फीमेल इधर आके बैठ गई है, मैं जैसे करीब आया हूँ। और ये इसका बच्चा जो ज़ख्मी हुआ था, इस साइड से दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सेट हो गया है अब तकरीबन। और बाकी पेट्स वगैरह यहाँ पे ऊपर बैठे हैं, और इनमें ना तकरीबन ऊपर वाली फीमेल अंडा देने वाली है, और बाकी इन दोनों ने अंडा दिया हुआ है। इस वाली फीमेल ने अंडा दिया हुआ, और साथ वाली जो मटकी वाली है उसने भी अंडा दिया हुआ है। देखिए मैंने इस पहले केज में देखिए मैंने चार अंडा दिया हुआ, बाकी ये फीमेल अंदर है। और जो ये बैठा है ना छोटा बच्चा, ये बच्चा तो नहीं थी, मैं चार एक माँ का है, ये इसके अंदर घुसा हुआ था शायद, इस वजह से इसके बच्चे नहीं निकलते। बाकी पहले इसमें इस मटकी में दिए थे, फिर उसमें, और बाकी ये हमारे ये देखें ये बैठे हैं। अभी इनकी लड़ाई हुई थी इसलिए एक ये नीचे बैठी है, एक ऊपर बैठी है, तब दोनों में सुलह नहीं है। बाकी ये हमारे नीचे वाले पैरट्स हैं, ये बच्चा आया हुआ है, इसे पकड़ते हैं, क्या करता है ये। अभी डबी ताला वगैरह लगा हुआ है, इसी वजह से डबी निकाल रहा हूँ, डबी फिर हाथ भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हाथ बड़ा थोड़ा। और ये देखें अब ये भाग रहा है, हाथ में आ रहा है लेकिन देखें भाग गया, आज शोर नहीं किया, कमाल की बात ये है। और अब छोड़ देते हैं इसे, अब ये नहीं आ रहा, इस साइड से भी नहीं आएगा, अब ये दूर चला गया हमसे, ये अब देखें इस साइड पर चला गया। और बाकी हमारे ये साथ वाले इसे देखें, ये फीमेल आ गई है, अपने बच्चे नहीं देखने दे रही, और ये लब बड़े यहाँ बैठे, एक ऊपर बैठे, अब ये बस चले तो ये भी ऊपर चला जाएगा, अभी इतना नहीं डर रहा, डरेगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। और अभी तक तो बैठे ही है। और ये देखें ये पहाड़ी तोता, ये खाना खा रहा है, मैं इसे बुलाऊँगा आ जाओ इधर आओ, ये देखें आ गया। और मैं इसे कहूँगा ये चला भी जाएगा, जाता तो नहीं है, चल चलो जाओ अपना जो खाना खा रहे थे वो खाओ, हो गया। और अब हम चलते हैं अपने पिजन वगैरह के पास, ये तो मैंने आपको सारा दिखा दिया मेरे ख्याल में, ये वाले पैरट्स भी, ये देखें इसका बच्चा भी नज़र आ रहा है, इसका बच्चा नहीं दिखाया था जो अंदर है, ये दोनों जिनके बाल अभी आ रहे हैं। बाकी ये वाले तो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, पहले आपको मेरे ख्याल में डक दिखा दूँ, उसके बाद वहाँ चलेंगे अपने पिजन वगैरह के पास, पहले डक दिखा देते हैं आपको। पहले एक बार ये सारे दिखा रहा हूँ मैं, ये मटकी में नज़र आ रही होगी फीमेल, इसने अंडे दिए हुए हैं, मैं पहले बताया आपको। अब चलते हैं डक दिखाता हूँ, डक भी हमारे पीछे इधर साथ ही पड़ी है, इसमें अभी ढक्कन वगैरह हटाता हूँ, इसको जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ, उसके बाद हम अपने पिजन वगैरह के पास चलेंगे। ये डक के देखें अब चुप है, और अब हम जल्दी से इसे कवर कर देते हैं और चलते हैं अपने पिजन वगैरह के पास। ये हमारे पिजन देखें, अब ये जैसे मैं करीब आया भाग के ऊपर चढ़ गया, नहीं तो ये दोनों साथ बैठे थे, सॉरी नहीं तो अब ये वैसे, अब मैं खोलूँगा ये देख काटेगा, आज डर रहा है, नहीं तो पहले काटता है, अब इसे ये देख अब जोश आ रहा है इसे, अब ये काटने की कोशिश कर रहे, देखिए अब इस साइड पे आ रहा है, अब बंद करते थे इसे पहले ये काट ले। और नीचे वाले पिजन वगैरह देखते हैं,
इनका पता नहीं बच्चा नहीं निकला अभी, मेरे ख्याल में कुछ देर है, दिन देर है अभी, देखें बेटा मेल ये नहीं देखने देते और ना ही फीमेल देखने देते, बंद कर देते सही। ये बच्चे वगैरह बैठे हैं, एक ऊपर बैठे हैं, एक नीचे बैठे हैं, और फीमेल उसके साथ बैठी है। और अब नीचे वाले पिजन वगैरह भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी वहाँ, क्योंकि सरप्राइज़ आया हुआ है। और ये देखें, ये हमारे नीचे वाले पिजन माशाल्लाह से, देखें इनका बच्चा निकला हुआ है, सुबह एक था लेकिन अब दो बच्चे हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से अंडे का मेरे ख्याल ताज़ा ताज़ा है, दो बच्चे हो गए इनके, एक सुबह निकला था और एक अब दिन में निकला है। अब ये देखें आप, ये मेल कुछ भी नहीं कहता, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ, ये भाग भी जाता है, बंद कर देते हैं जल्दी से। और अब तंग नहीं करते इन्हें ज़्यादा, अगर तंग किया तो शायद बच्चे मार ना दें अपने, इन्हें छोड़ देते हैं और अब हम इनके अपने हाल पर। और बाकी आप चलते हैं ऊपर, ये देखें आज ये यहाँ बैठी है, यूं करके बैठी है, आप चलते हैं वापस ऊपर अपने पैट्स वगैरह के पास। अब शाम हो चुकी है और अभी मैंने ये सारे कपड़े हटाए हैं जो लगे हुए थे, शाम बनाई हुई थी, देखें अब ये सारे बैठे हैं पेट के पास। और इसके बच्चे भी ठीक हैं, एक येलो है और एक ग्रीन, और थर्ड वाले के अभी बाल वगैरह नहीं है, उस दिन भी ऐसे लग रहा था जैसे ग्रीन है, शायद ग्रीन भी हो। और खाना वगैरह इनका पड़ा है और शाम को डालेंगे, और ये पानी भी शाम को चेंज करेंगे, मटकी वगैरह की भी। और इन्हें ईद, अगर इनके पास तकरीबन 21 दिन का टाइम है, अगर बाकी उन्हें ब्रीड कर दी ठीक, नहीं तो गर्मी तो वैसे भी हो रही है, तो हम इन्हें सेल कर देंगे या फिर हम कुछ और सोचेंगे, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। सारी चीज़ें एक व्लॉग में तो नहीं बता सकते कि क्या करूंगा इनका मैं, वो नीचे वाले में ऐसे वो भी मैं उनका बताऊंगा, क्या पता वो सेल करूं या ना करूं। और ये देखें डक नहीं, नीचे चली गई, डक भी नीचे, डक उस वक्त दिखाई थे आपको, चिक्स भी नीचे ले गए हैं क्योंकि गर्मी हो चुकी थी काफ़ी, जिसकी वजह से हम चिक्स अपने नीचे ले चले गए हैं। ये देखें ये केज खाली पड़ा है और आज मेरे ख्याल में चिक्स रह गए हैं। और चमेली के जो फूल निकल रहे हैं वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं ऊपर आ गया हूँ, थोड़ा काम वगैरह भी करना है इसी वजह से, बाकी इनका सफाई वगैरह तो हुई ही है, अगर ना हुई होती तो फिर हम करते। और मुझे लगता है कि आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड कर देना चाहिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त।